The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Right. So, आज का वीडियो है हमारा अल्ट्रासाउंड पे, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी. जी नहीं, ये दोनों एक ही चीज है. कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अल्ट्रासाउंड अलग है, सोनोग्राफी अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है. अल्ट्रासाउंड इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज होती है. इसमें साउंड वेव्स यूज होती है इमेज बनाने के लिए, जो कि जिस भी ऑर्गन और स्ट्रक्चर को जिसको भी छूती है उससे वापस रिफ्लेक्ट होती है. राइट, सो रिफ्लेक्ट होती है साउंड वेव्स, तो हमें पता चलता है कि वहाँ कितना घना, कितना डेंस ऑर्गन है, राइट, आपकी बॉडी के अंदर. सो ये साउंड वेव्स होती है जो मारी जाती है, जैसे कि वेल्स जो होती है ना, जैसे कि वो होती है डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स के अंदर ये अल्ट्रासाउंड का सिस्टम होता है, वो डायरेक्शंस और वो चीज़ों को इसी तरीके से ढूंढती हैं कि हाँ टंग नंग नंग, उनको पता चल जाता है स्ट्रक्चर कैसा है. अल्ट्रासाउंड के, अगर आपने याद होगा, बच्चे जैसे माँ के पेट में बच्चे को दिखाते हैं टीवी पे, बिल्कुल वैसे ही इमेज दिखती है अल्ट्रासाउंड की, अंदर का ऑर्गन, अंदर का बच्चा ऐसा दिखता है. राइट, सो ये टेस्ट के लिए बेसिकली आपको इमेज बनाई जाती है अल्ट्रासाउंड से आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन की. एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स एमिट करती है और वो रिसीव होती है उसी चीज़ में और वो कंप्यूटर पे इमेज बनती है. ये इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ये सीटी स्कैन और एक्सरे से अलग है क्योंकि इसमें कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, तो आपको रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा नहीं है, आपको रेडिएशन एक्सपोजर का डर नहीं है. दैट इज़ वन गुड थिंग कि ये सेफ है प्रेगनेंसी में भी. प्रेगनेंसी में आप एक्सरे नहीं कर सकते, सीटी नहीं कर सकते हैं, राइट, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड को या सोनोग्राफी एक ही चीज़ है. अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है. आपको पैर से लिटाया जाएगा, आपको याद रखिए एक जेल लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के टाइम पे आपके स्किन पे, वो जेल आप या सोनोग्राफी के प्रोब पे लगा के स्किन पे लगाया जाता है. वो जेल जो प्रोब होता है वो जो साउंड वेव्स हैं वो कंडक्ट करता है. जितना अच्छा जेल लगता है उतनी अच्छी इमेजेस दिखती है, इसलिए स्किन ख़राब होने की कोई डर नहीं होती है बिल्कुल भी. सोनोग्राफी की जो सोनार प्रिंसिपल है उनके बेसिस पे ये आधार है, राइट, और जेल लगता है, हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स में, राइट. एक हाथ में पकड़ के इस प्रोब होता है, कभी कभी वो बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी लंबा होता है. ये प्रोब्स अलग अलग प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं इसको, इसको उस एरिया पे मूव किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देते हैं. इस प्रोब की पोजीशन चेंज की जा सकती है, इसको हिलाया जा सकता है देखने के लिए कि भाई ऑर्गन है वो कैसा है, उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक ऐसे देख सकते हैं चारों तरफ के एंगल से. तो टेस्ट इस तरह से किया जाता है. क्या इसके लिए कोई प्रिपरेशन लगता है? नहीं, इसके लिए बॉडी पार्ट पे डिपेंड करेगा. अगर आपके वो बॉडी पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा हेयर है, बहुत ज़्यादा बाल है, तो बाल निकालने पड़ सकते हैं, थोड़े बहुत बाल चल जाएंगे. बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बालों में फिर इमेज सही से नहीं आएगी, राइट. जैसा हमने बताया, वैसे थोड़ा सा ठंडा फील हो सकता है आपको टेस्ट में, लेकिन ये अल्टीमेट चीज़ है कि ये टेस्ट किया क्यों जाता है, कर क्यों सकते हैं, कब कब कर सकते हैं. इस टेस्ट को करने के बहुत सारे रीजंस हैं. अल्टीमेटली आपके सिम्टम पे डिपेंड करेगा. आपका सिम्टम, जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का टेस्ट किया जा सकता है, आपके गर्दन में से खून की नसें ब्रेन में कैसी जा रही हैं उनको देखने के लिए. अगर आपको चक्कर आता है, डिजीनेस होती हैं कि गर्दन में खून की नसें हैं वो बाहर जा रही है, कैरोटिड आर्टरीज वेसल्स, उसको देखने के लिए. आपके हाथों पैरों में अगर सुनपना, कालापन आ रहा है, सूजन आ रही है, तो उसमें जाने वाली खून की नसें को देखने के लिए, जिसे हम कलर डॉपलर कहते हैं, वेन्स या आर्टरीज दोनों को. अगर हाथ काला पड़ रहा है, सुनपना आ रहा है हाथ या पैरों में, तो आर्टरीज, वेन्स, खून की वाहिकाओं को देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं. उसमें एक स्पेशल मेथड होता है कलर डॉपलर, राइट. प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को देखने के लिए, पेट में जो फीटस है उसको देखने के लिए, प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई है, आगे कैसे बढ़ रही है उसको देखने के लिए भी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है.
आपके पेल्विस के अंदर, पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए, उसके कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो, उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है। पेट के अंदर किडनीज में स्टोन तो नहीं है वो दिखता है, किडनी में सूजन तो नहीं है, लिवर में फाइब्रोसिस तो नहीं है, लिवर में फैट कितना है, लिवर फाइब्रोसिस स्कारिंग कितना है, अपेंडिक्स में कोई सूजन तो नहीं, गॉल ब्लैडर में पथरी तो नहीं है, पैनक्रियाज में गांठ तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, नेक्रोसिस तो नहीं है, आते इंटेस्टाइन सूजी हुई तो नहीं है, सब दिखता है अल्ट्रासाउंड में इंटेस्टाइन्स में। लेकिन अल्सर होंगे तो नहीं दिखेंगे, पेट में अल्सर होंगे वो नहीं दिखेंगे, यानी सॉफ्ट टिश्यूज में वेरिएशन दिखता है लेकिन सॉफ्ट टिश्यू में ही वो सब होगा वो नहीं दिखेगा। ब्रेस्ट में किया जाता है, ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, ब्रेस्ट में कोई लंप हो उसमें किया जाता है। थायराइड में किया जाता है, थायराइड में कोई नोड्यूल है, थायराइड में गांठ है, गले में आपको कुछ इशू आ रहा है। आँखों में भी किया जाता है, आई का ऑर्बिट, आँखों में कोई इशू आ जाए उसमें भी किया जा सकता है, आई या ऑर्बिट में भी किया जा सकता है। नॉर्मल रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि सारे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और उनके आगे पीछे की जो सिस्टम है कि ये यहाँ होना चाहिए वो वहाँ होना चाहिए, प्लेसमेंट सही जगह पे है, ऑर्गन स्ट्रक्चर सही जगह पे है, उसे नॉर्मल रिजल्ट कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मल अगर आपका सोनोग्राफी आता है तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि आपके जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें कोई ना कोई पार्ट, कोई हिस्सा या तो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, देखने में ही एबनॉर्मल है, कोई पथरी है, कोई सूजन है, कोई सुखड़ा हुआ कोई सुखड़ा हुआ या है ही नहीं, पार्ट है ही नहीं, कभी ऐसे भी होता है। तो ऐसे में आपके डॉक्टर से डिस्कस की जाएगी बात, आपके सिम्टम से तालमेल किया जाएगा कि ये सिम्टम ऐसा है, ये सोनोग्राफी में फाइंडिंग, अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग ऐसी है, तो इलाज क्या होना चाहिए। इस बेसिस पे सबसे अच्छी बात अल्ट्रासाउंड की यह है कि वो सेफ है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, कितनी बार भी कर सकते हैं। फिर भी लेकिन प्रेगनेंसी में उसको जितना कम बार करे उतना कम बार किया जाता है, क्योंकि वो फिर भी है तो साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स अंदर जाके कभी कभी बच्चे को इरिटेट कर सकती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें। इसलिए अल्ट्रासाउंड भी प्रेगनेंसी के दौरान जितनी ज़रूरत हो उतना ही किया जाता है, दो बार, तीन बार, चार बार, बस। ऐसा नहीं कि हर दिन अल्ट्रासाउंड करके देख रहे हैं, पता लगा आप डॉक्टर हो, आपको लगा नहीं मेरा ही बच्चा, मैं खुद ही देखूंगा रोज रोज एक एक घंटा दो दो घंटा, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो ये हमेशा समझने वाली बात है, ओके। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है कि कुछ प्रकार के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं जो आपके बॉडी के अंदर भी डाले जा सकते हैं। वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, रेक्टल अल्ट्रासाउंड तो भी कर पा सकते हैं लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जरूर होता है जिससे कि प्रेगनेंसी को और बेहतर ही देखा जा सकता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, इंट्रावेस्क्युलर अल्ट्रासाउंड होता है, जी हाँ, आप खून की नसों के अंदर भी अल्ट्रासाउंड डाल के देख सकते हैं, यहाँ तक टेक्नोलॉजी आ गई है। सो अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एक ही चीज़ है, जिसको USG अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसा भी कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इनको कहते हैं, राइट। पानी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर बताऊंगा, जब हमें ब्लैडर को स्टडी करना होता है अल्ट्रासाउंड में, पेशाब की थैली को, तो फिर कोशिश की जाती है कि ब्लैडर भरा हो, राइट, और उसमें दोनों तरफ की जाती है, ब्लैडर भर के पेशाब की थैली भरी हो, यानी पेशाब आने की सेंसेशन है, और उसके बाद पेशाब पास करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कई बार डॉक्टर आपसे कहेंगे, पेशाब पानी ज़्यादा पी के आओ, पेशाब की थैली भरी है तब आओ, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा किया जाता है। तो ये सारी बात हुई आपकी अल्ट्रासाउंड की। अब आपके पास कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार के हैं, सवाल पूछिए, हम सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, राइट, थैंक यू।